नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9 बुलेटिन। में सबसे पहले बात करेंगे G20 समिट की। जलवायु परिवर्तन पर सबसे ज्यादा फोकस में रहा समिट का दूसरा सेशन। रोम में कहां पर एक साथ पहुंचे पीएम मोदी समेत दुनिया के दिग्गज। इटली के बाद ग्लासगो के लिए कब रवाना होंगे पीएम मोदी। पीएम की यूरोप यात्रा से जुड़ी बड़ी खबरें आप देखिए न्यूज टॉप 9 मोदी एडमिशन में। इटली दौरे के आखिरी दिन आज पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दूसरे और तीसरे सेशन में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी समेत सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर चर्चा समेत सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर मंथन किया। शिखर सम्मेलन का दूसरा और सबसे अहम सेशन करीब 2 घंटे तक चला। इस दौरान पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। खबर है कि G20 देश 1.5 डिग्री जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य पर सहमत हुए हैं। इटली के रोम में G20 शिखर सम्मेलन से अलग अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल से मिले। इस दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेंड्रो शेशोस से भी द्विपक्षीय मुलाकात की। इटली के रोम में शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक ट्रेवी फाउंटेन का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ G20 देशों के तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। ट्रेवी फाउंटेन दुनिया भर में मशहूर है। रोम के ऐतिहासिक ट्रेवी फाउंटेन को इतालवी वास्तुकार निकोला साल्विक ने डिजाइन किया था। इटली के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्मारकों में से एक ट्रेवी फाउंटेन में सिक्का उछाले जाने की परंपरा है। इसके फव्वारे की ऊंचाई 26.3 और चौड़ाई 49.15 मीटर है। G20 समिट के दौरान सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से पीएम मोदी जिस तरह से मिले वो पीएम मोदी की ग्लोबल इमेज और दुनिया में बढ़ती हिंदुस्तान की ताकत और रुतबे को बयां करता है। पीएम मोदी G20 के समापन कार्यक्रम में भी आकर्षण का केंद्र रहे। 16वें G20 समिट में पीएम मोदी ने देश को वन अर्थ वन हेल्थ का विजन दिया। पीएम ने कहा कि संकट काल में भारत एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरा है। उन्होंने G20 देशों को आर्थिक रिकवरी और सप्लाई चेन में भारत को पार्टनर बनाने के लिए आमंत्रित किया। इटली दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज ग्लासगो के लिए रवाना होंगे, जहां वे 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी COP26 में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर भारत और ब्रिटेन 140 देशों को जोड़ने वाले वैश्विक सौर ग्रिड की बड़ी घोषणा करेंगे। 26वीं कॉप सम्मेलन के अलावा ग्लासगो में पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। इस दौरान ब्रिटेन और भारत की रणनीति साझेदारी के लिए प्लान 2030 की समीक्षा हो सकती है। मई में इस पर आपसी सहमति बनी थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।